यहीं से एंट्री होगी इसके अंदर। और आप देख सकते हैं शेर बैठे हैं, दो गेट पे गेट बने हुए हैं। और एंट्री करते ही आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा सामने, ये मंदिर। और आपको मार्केट दिख जाएगी, ये मार्केट है भाई, शीट बेड शीट और चादरों की है शायद, हाँ वही सेल हो रहा है, बेड शीट और चादरें। ये काठमांडू की वर्ल्ड यूनेस्को साइट है, यहाँ पर बहुत सारे विजिटर आते हैं भाई हर टाइम, और अभी भी बहुत सारे विजिटर यहाँ घूम रहे हैं। ये देखिए पीछे की साइट है, और इधर पीछे की तरफ, आगे मैं अभी आगे की तरफ जा रहा हूँ, और यहाँ पर मंदिर ही दिखाई दे रहा है मुझको अभी तक तो। तो भाई इस टाइप के स्ट्रक्चर मैंने अभी तक सिर्फ वीडियो में ही देखे थे, जैसे मैं वीडियो देखता था थाईलैंड के, हांगकॉन्ग के, जापान के, इधर उधर के या चाइना के, तो उनके वीडियोज़ में दिखाई देते हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर। ये देखिए मैंने पहली बार देखा है अपनी लाइफ में, मतलब इस टाइप का बाई स्टेप इस टाइप से बने हुए मंदिर या फिर मठ जो बोलते हैं। कितने का एक पीस? 1200 का है। अच्छा, थैंक यू। और यहाँ लगता था शाही दरबार जैसे कि आप देख सकते हैं, और 1908 में बिल्ड है ये, और इसके अंदर लोग घूमने के लिए जा रहे हैं उधर से, वो टिकट देके, टिकट है इसका। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट बैठे हैं, ये मंदिर का गेट है, और ये सब लोग रेस्ट करते हुए। तो भाई शाही दरबार घूमते हुए मैं यहाँ तक आया, और आने के बाद ये पीछे मार्केट एरिया है, यहाँ पर बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें मतलब सेल हो रही हैं, बहुत सारा सामान उस टाइम का। और भाई इसमें मुझको पूरे दरबार में सिर्फ मंदिर ही दिखाई दिए, मंदिर मतलब मठ टाइप के बने हुए, जैसे चाइना, जापान, हांगकॉन्ग, मलेशिया इधर वगैरह के हैं जो स्ट्रक्चर है मंदिर हैं, उसी टाइप के मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर भी, मतलब वही स्ट्रक्चर है जैसे मठ होते हैं उसी टाइप में। तो ये मार्केट है पूरी, आप देख सकते हैं सामने तक, मतलब ऐसे ही रेड़ियाँ लगी हुई हैं पूरी, और इसके अंदर जो सामान सेल हो रहा है ये सब गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, हाँ उन्हीं से रिलेटेड है ये सब, गौतम बुद्ध से, क्योंकि यहाँ पे जो टूरिस्ट आता है ज़्यादा वो इधर के ही आता है घूमने के लिए, हांगकॉन्ग, मलेशिया, चाइना, जापान, चीन, तो इसलिए इससे बाहर निकलने के बाद स्क्वायर से इस टाइप के यहाँ पर होटल और मार्केट वगैरह बनी हुई है, सभी चीज़ें सेल हो रही हैं यहाँ पर। तो भैया कल से मैंने आज देखे हैं यहाँ पर समोसे बिकते हुए, वरना तो मोमोज, चाउमीन और इसी टाइप का फूड सारा बिकता हुआ देखा है, आज देखे भाई समोसे बिकते हुए। इस दरबार स्क्वायर का एक एंट्रेंस ये भी है, ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, और पीछे पूरी मार्केट है भाई, लेकिन ये एंट्रेंस जो है वही वाला है जहाँ पर दरबार लगता था और म्यूज़ियम है, और पीछे मार्केट है वही जो सेलिंग हो रहा है बहुत सारा सामान पुराने टाइम का। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है इसकी लोकल मार्केट स्क्वायर की, और ये देखिए क्लॉथ वगैरह सेल हो रहा है, ये आभूषण हैं, और जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए वो इन मार्केटों का लुफ्त उठाते हैं। ये देखिए अंदर तक, ये लेडीज़ के लिए होते हैं सब, ये मार्केट लेडीज़ के लिए है पूरी, और सब ज़्यादातर लेडीज़ ही सामान यहाँ पर नज़र आ रहा है जो लेडीज़ यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक सामान हो या क्लॉथ हो या बैग हो, जो भी है सब लेडीज़ का ही नज़र आ रहा है। और बाहर निकलते ही कुछ इस टाइप का व्यू आएगा, ये देखिए ये है भाई काठमांडू की मार्केट, ये इस साइड देखिए, ये स्ट्रीट फूड में आप देख सकते हैं यहाँ पे समोसा, टिक्की और मोमोज वगैरह सेल हो रहा है, वो शायद मिठाई है। टूरिस्ट को घुमाने के लिए यहाँ पे इस टाइप की टैक्सियाँ चल रही हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सब बुक करके लेकर जाते हैं, मतलब चार जगह घुमाएंगे, पाँच जगह घुमाएंगे उस टाइप से। तो भाई वहाँ से लेके यहाँ तक पूरी मार्केट में जो है लेडीज़ के लिए ही सामान उपलब्ध है, हम लड़कों के लिए तो कुछ ही नहीं, और सब लेडीज़ ही नज़र आ रही है भाई दोनों साइड में। क्या है दोस्त, ये लस्सी, दही का, दही का, अच्छा लस्सी दही का ही होता है। एक पीस कितने का है? 45-80। अच्छा छोटा वाला 45 का है, बड़ा वाला 80 का है, ठीक है टेस्ट करते हैं दोस्त। तो भाई इस शॉप की भीड़ देख के और लोगों का क्रेज देख के मैंने भी डिसाइड किया कि भाई मैं भी टेस्ट कर लूँ, जब इतनी दूर आया हूँ काठमांडू, तो ये मीठी लस्सी कैसी है भाई मैं भी देख लूँ पीकर। तो सब लोग खड़े होके पी रहे हैं यार, और मुझको आदत नहीं खड़े होके पीने की कोई भी चीज़ लिक्विड, जैसा टेस्ट है इसका 45 रुपये बहुत कम है इसके भाई, सच में बहुत वंडरफुल टेस्ट है, एकदम मज़ा आ गया पी के एक ही घूट में। इसका टैक्सी का बिल का सिस्टम है, भाड़े का सिस्टम है? भाड़े का 5 किलोमीटर का कितना भाड़ा लेता है? 400 रुपये नेपाली, 400 रुपये
अच्छा, तो आप मतलब मीटर से चलाता है टैक्सी या खाली चलाता है? मीटर से नहीं चलाता है, मीटर से चलाता है। तो एक टैक एक आदमी को लेकर जाता है बस या चार आदमी को, दो आदमी को? एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी। अच्छा, 400 में सात आदमी, पाँच आदमी। ओके, लेकर जाएगा 400 में चार आदमी पाँच आदमी लेकर जाएगा। ओके, मारुति सुजुकी ये देखिए, और ये न्यू मॉडल है, ये देखिए न्यू मॉडल एकदम। और ये सेल हो रहा है यहाँ पर भाई, बेल बेट के जूतियाँ, चप्पल है और बैग भी हैं, और सर पे बांधने वाला जो बैंड होता है वो भी है, तो ये सब बेल बेट में हैं। तो काठमांडू में आपको चलते फिरते गली मोहल्लों में इस टाइप के मंदिर और इस टाइप के स्ट्रक्चर बहुत नज़र आएंगे मार्केटों में। दिन के 2 बज रहे हैं भाई और भीड़ काफ़ी है यहाँ के मार्केट में, और अभी शाम के टाइम तो और ज़्यादा भीड़ हो जाती होगी यहाँ पर, जब 2 बजे इतनी भीड़ है भाई। और ये सिटी सेंटर के आसपास का एरिया है ये सब, मतलब मार्केट है, काफ़ी लंबी लंबी गलियाँ हैं, दूर दूर तक सब बस शॉप ही शॉप है भाई, जैसे इस टाइप की मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, बस शॉप ही शॉप। ये देखिए, ये है सूखा मीट यानी सूखा गोश्त, ये भी सेल हो रहा है भाई। ये भी देखिए, ये रहा, ये भी गोश्त है भाई, सुखाया हुआ धूप में मसाला लगा के पूरी सेल होता हुआ देखिए। तो ये काठमांडू की इंदिरा चौक है जो कि एक टूरिज्म पैलेस है, और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, वो रहा दरबार, दरबार स्क्वायर, सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है ये इंदिरा चौक, और ये इस टाइप की, ये पीछे आप देख सकते हैं, और ये पीछे गया भाई एशियन टाउन यानी एशियन मार्केट है, और भाई इतनी भीड़ है इस मार्केट में बहुत ज़्यादा भाई, मैं गया 2 बार वापसी आ गया जाके भाई, मैं पार नहीं कर सका। तो ये भैया चलाते हैं टैक्सी और ये पैसे गिनते हुए। एक लीटर तेल कितने का है इधर? 175 नेपाली रुपया। पेट्रोल और डीजल? डीजल तो मेरे को मालूम नहीं है। डीजल मालूम नहीं है? डीजल कितना है? 155 डीजल है भाई। भैया ये काठमांडू का सबसे नंबर वन टॉप विजिट पैलेस है, और इसी के बिल्कुल इसी से जब तुम बाहर निकलोगे तो इंदिरा चौक आ जाएगी, और इंदिरा चौक के सामने ही बिल्कुल एशियन मार्केट है, ठीक है, सब कुछ आसपास ही है यहाँ पर सब, यानी 500 मीटर पे या फिर 1 किलोमीटर के दायरे में है सब कुछ। यहाँ पर सिस्टम पता है क्या है, ट्रांसपोर्ट थोड़ा महंगा है यहाँ पर, ठीक है, एक तो यहाँ पर बाइक वाले चल रहे हैं यानी बाइक पे बुक करेंगे आपको कहीं भी छोड़ देंगे, दूसरा यहाँ पे टैक्सी चल रही है, ठीक है, बसें चल रही हैं आउट में यानी बाहर बाहर, तो अगर आप अंदर की साइड आएंगे तो आपको बाइक वाला लेकर आएगा या टैक्सी वाला लेकर आएगा, ठीक है, तो उससे अच्छे से बातचीत करके अपने फ़ोन में उस जगह की लोकेशन चालू करके तभी आना, ठीक है, वरना तो आपको इधर उधर घुमाता हुआ लाएगा। और बाइक का जो रेंट चल है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब 1 किलोमीटर के 40 रुपये चार्ज कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, और कार का भी भाई काफ़ी महंगा है, 200 रुपये 300 रुपये मांग रहे हैं भाई एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, चाहे वो 3 किलोमीटर है या 4 किलोमीटर है, ठीक है, तो अगर आप घूमने के लिए आओ तो भाई चीज़ का ख्याल रखना। बाकी फूड तो यहाँ पर चारों तरफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिस टाइप का आपको फूड चाहिए उस टाइप का फूड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सभी तरह के रेस्टोरेंट हैं, वेज भी नॉन वेज भी, और नॉन वेज तो भाई यहाँ सब जगह मिल रहा है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना मटन चिकन खाते हैं, ठीक है, अभी तक मैंने देखा भाई अपने जब से मैंने सफ़र स्टार्ट किया है नेपाल का। लैंग्वेज का कोई मसला नहीं है, हिंदी लैंग्वेज यहाँ चलती है, ठीक है, किसी से बात कर सकते हो आप हिंदी में, प्लस पैसे भी यहाँ इंडियन चलते हैं, ठीक है, अगर आपकी मनी एक्सचेंज नहीं हो पाए तो आप एक्सचेंज नहीं कराएं तो आप इंडियन रुपए में भी पे कर सकते हैं, हिसाब जोड़ के रेट के हिसाब से यानी जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से। तो भाई ये आपको पूरा दरबार स्क्वायर घूमने के लिए, और ये म्यूज़ियम घूमने के लिए, और सामने वो रहे कुछ स्ट्रक्चर और मंदिर वो सब घूमने के लिए आपको टिकट लेना होगा जिसके अंदर एंटर होने के लिए। ये रहा 150, ठीक है, हम इंडियन को 150 का मिल जाएगा, लेकिन जो अदर कंट्री वाले हैं उनको 1000 रुपये का मिलेगा। जब से भाई मैं नेपाल के अंदर घुसा हूँ तो मैंने एक चीज़ ये देखी है यहाँ पर, इनका जितनी भी इकॉनमी है और माशियत है वो सब भाई टूरिज़्म पर है। बन रहा है तो भैया जूस पी रहा था मैं, ये देखिए, और ये भाई साहब भी मिले, वालेकुम सलाम, ये भाई साहब मिले हैं, ये हैं लेबनान के, क्या फिलहाल ले सी जी अंता ही ना नेपाल दाखिल नेपाल ए सी भी स्ट्रगल स्ट्रगल दाखिल हुकूमा वाला दाखिल एम्बेसी दाखिल अमम मुत्तहिद जैन हादा कैफ नेपाल हादा हेलो हेलो बात जैन अंता रो इंडिया अव्वल वाला माफी रो शुक इंडिया हिंदिया इंडिया अशुक बाद बाद इन शुक आई बात अंता हिना खलास नेपाल बाद इन रो दाखिल इंडिया की मकानात बाद इत वाला इंशाल्लाह चना जाए इंशाल्लाह जैन अंता फी हिंदी की जाजा अंता रो इंडिया
दिल्ली मुंबई बेंगलोर कोलकाता चेन्नई तो भैया आज के वीडियो में हमने काफ़ी कुछ देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी नेपाल में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में दो बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हम आपके लिए और नेपाल से वीडियो लाएंगे। अभी मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ तो वहाँ का वीडियो अलग से बनाऊँगा एक, ठीक है। तो रात में वीडियो वहाँ का नाइट लाइफ देखनी है भाई, यहाँ की कैसी होती है।